अब मैं बार बार कहती जा रही हूँ भी हमें ट्यूबवेल कनेक्शंस दो, हमारे पास पानी नहीं है। जो सोलर पंप है वो पानी उठा ही नहीं रहा। किसान जो है वो अपने आप को बहुत ज्यादा ठगा महसूस कर रहे हैं। चाचा जी है हमारे, और इतना रहम करो बाडड़ा पे, जो भी आवेदन आए हुए हैं आप उनको कर दीजिए। 2018 तक जितने भी आवेदन आए हुए हैं, हमारी वो ने जो कहा है मैं उन्हें कहता हूँ अपने पेपर भिजवा दे, मैं इसे एग्जामिन करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य का प्रश्न है उसमें हम ज्यादा सोलर पे जा रहे हैं क्योंकि नए जमाने में सब लोग इसी पे जा रहे हैं। हमें इसमें भारत सरकार से न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री से 30% सब्सिडी मिलती है और 45% स्टेट गवर्नमेंट देती है, तो 75% हम सब्सिडी दी जा रहे हैं। इसका एक फायदा ये हो रहा है कि दिन में किसान इस पे लगा रहे हैं, और इसका ये फायदा है कि उसको 25% अपने हेड पे पड़ता है, किसान को इसका बड़ा लाभ मिलता है दिन में पानी। लेकिन तो रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक जब बिजली सस्ती होती थी उसको मिलता था। अब इसका एक तो ये बड़ा फायदा है। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि जो पहले वाले कनेक्शन है उनको जो सोलर पे उन्हें दूसरे पे दिया जा रहा है, उसके लिए हमने हमारी सरकार की तरफ से निर्णय कोई कनेक्शन ऐसा नहीं दिया जा रहा, सोलर पे रखेंगे। अध्यक्ष जी, मेरा विधानसभा क्षेत्र जो बाड़ा है वो 2011 में उसको डार्क जोन घोषित कर दिया था, उसके बाद में ये रोक भी हटा दी सरकार ने, और 2018 तक अनेकों किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन दिया था और एक लंबा इंतजार, 5 साल हो गए ट्यूबवेल कनेक्शंस के लिए सरकार को। पहले भी कहा है जो मेरे से पहले कोई विधायक होगा, अब मैं बार बार कहती जा रही हूँ भी हमें ट्यूबवेल कनेक्शंस दो, हमारे पास पानी नहीं है। तो जब सरकार ट्यूबवेल कनेक्शंस देने की बारी आई 5 साल के इंतजार के बाद में, तो जिन किसानों ने आवेदन दिया था, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि आवेदन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ था। मैं आपके माध्यम से बिजली मंत्री जी से कहूंगी कि आवेदन में कहीं भी ये बात मेंशन नहीं थी कि हम 5 साल बाद अगर आपको ट्यूबवेल कनेक्शंस दे रहे हैं तो वो हम सोलर ट्यूबवेल कनेक्शंस देंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि बाड़ा विधानसभा क्षेत्र जो है वो रेतीला इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है, और जो भूजल स्तर है पानी का वो 400 फीट तक गहरा है। तो अगर पूरे हरियाणा में ये योजना लागू की है सोलर सिस्टम की, तो हमें सरकार को ये चीज देखनी चाहिए कि एक तो यमुनानगर है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, यहाँ तो 100 फीट पे ही पानी है, और बाडड़ा जो है वह 400 फीट पे है, तो सोलर पंप से हम सिंचाई कैसे कर सकते हैं? जो सोलर पंप है वो पानी उठा ही नहीं रहा। तो किसान जो है वो अपने आप को बहुत ज्यादा ठगा महसूस कर रहे हैं। तो मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से बिजली मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि 2018 तक जितने भी किसानों ने आवेदन पत्र दिया है ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए, उन किसानों को सोलर पंप से हटाकर हमें बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाए। स्पीकर महोदय, ऐसा हमने ये कराया कि जितने कनेक्शन 100 मीटर से नीचे के हैं उसके लिए हमने कहा है कि वो माइक्रो इरिगेशन पे जाए, उसे कनेक्शन उससे देंगे, और जो पहले के कनेक्शन है जिन्होंने ऑलरेडी कनेक्शन लगा रखे हैं उन्हें हमने कहा है कि वो अपने डिक्लेयर करें, जो डिक्लेयर कर देगा उसको कर देगा। पर नए कनेक्शन नहीं दिए जा रहे, वो पावर से नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि जो सोलर पे हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सब्सिडी मिलती है उससे भी हमें गाइडेड रहना पड़ता है। तो जो नए कनेक्शन कोई मांग रहा है उस पर ये कंडीशन है कि वो उसके साथ माइक्रो इरिगेशन 100 फीट से अगर नीचे है तो उसके साथ अपना उससे जोड़ेगा, और नहीं तो उस पर नहीं दिया जाएगा। पर जो पहले चल रहे हैं वो अपने डिक्लेयर करें और उसको फिर हम मानने लगे। जी पहले सोलर ट्यूबवेल जो चल रहे हैं वो किसानों ने या तो पशुओं के पानी पिलाने के लिए लगाए थे मजबूरी वश, या घरों में पानी तो है ही नहीं ना बाडड़ा में पीने के लिए। तो मैं तो आपके माध्यम से बार बार आग्रह करूंगी और अनुरोध करूंगी मुख्यमंत्री जी से भी कि हमें बिजली ट्यूबवेल कनेक्शन देने का काम करें, और जो 2018 में पूरे दादरी जिले के 400 किसान जिन्होंने फीस जमा नहीं करवाई, एक मौका उन किसानों को भी दोबारा देने का करो ताकि वो अपनी फीस जमा करवा के दोबारा ट्यूबवेल कनेक्शंस लगाए। और मैं मंत्री जी आपसे कहूंगी कि आप पिता तुल्य हैं, चाचा जी हमारे,
और इतना रहम करो बाडड़ा पे कि आप बिजली जो है वो बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल कनेक्शन जो है वो आप हमें दो, क्योंकि सोलर से बाडड़ा में काम नहीं चलने वाला, वहां चल ही नहीं रहा, पत्थर आ रहे हैं, सोलर पंप चल नहीं रहे, तो फिर उसके ट्यूबवेल कनेक्शन का फायदा क्या? 5 सालों से लोग इंतजार कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, 5 सालों से, और अब जब बारी आई तो बिजली विभाग ने कंडीशन लगा दी, और जिनके पास है तो पीने के पानी के लिए कहीं ना कहीं तो आदमी सोलर सिस्टम लगाएगा ना, चाहे वो पशुओं के लिए लगाया चाहे वो खुद के लिए, उस कंडीशन को हटा के हमें बिजली के ट्यूबवेल कनेक्शन देने का काम आप करो, और मैं तो आपकी बहू हूँ, ये तो आपको करना पड़ेगा। ये देखिए नहीं नहीं, ये उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए मांग की है माननीय। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अगर सेंटीमेंट्स और फीलिंग की बात होती तो हम घर में ही कर लेते, ये सदन है तो हमें सदन में अपनी कुछ मर्यादाओं से कहना पड़ेगा। ऐसा है कि जो आपने कहा मैं थोड़ा फर्क बता दूं, सोलर इतना पॉपुलर है कि जब हम 2 घंटे के लिए खोलते हैं तो हम पे उनके कनेक्शन के लिए ज्यादा आवेदन आते हैं, और जो पावर वाले हैं उसके लिए कम आते हैं। अब हमें जो अभी पिछले मैं 1 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, हमें 61,158 आए, जिनमें सोलर के जो है वो है जी 33,810, और दूसरे जो पावर के हैं वो 27,000 हैं। 33,810 हम 6 महीनों में दे देंगे, और 2700 जो 18 इन्हें 1 साल लगेगा देने में, जो 19 से 21 तक 2 साल में हम पे डिमांड आई है। और इसमें क्योंकि जो ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे कनेक्शन हम कर रहे हैं, कुछ जिन्हें नए कनेक्शन तो बिल्कुल ही नहीं दिया जा रहा है, विद माइक्रो इरिगेशन कंडीशन कर दिए, पर जो भी आवेदन आए हुए हैं आप उनको कर दीजिए, 2018 तक जितने भी आवेदन आए हुए हैं। हमारी वो ने जो कहा है मैं उन्हें कहता हूँ अपने पेपर भिजवा दे, मैं इसे एग्जामिन करता हूँ, अगर इन केस हमारे पैरामीटर्स में फॉल इन करेंगे तो मैं इस पर जरूर कंसीडर करूँगा। धन्यवाद।